A car covers every distance with the first one third at velocity V1, second one third at V2, and last one third at V3. यह डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर ऐसे दे रखी हो ना वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, तो फॉर्मूला होता है s डिवाइडेड बाय में 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3. एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है फिर, ठीक है ना. s नहीं 3 आएगा यहाँ पे, s नहीं होता. क्या होता है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है ना तो 3 हो जाएगा. चार में डिवाइड करता तो 4/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 प्लस 1/V4. टोटल डिस्टेंस को अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हो तो ये फॉर्मूला लगता है. तो यहाँ पे लगा दो यार फॉर्मूला, 3 डिवाइड बाय में 11 प्लस में V2 की वैल्यू जाएगी 22 प्लस में और इसकी वैल्यू जाएगी 33. तो क्या आएगा, 3 डिवाइड बाय 1/22. तो एवरेज वेलोसिटी 1/22 आएगी. क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, सॉरी मैंने गलती कर दी ना. 1/V1 देखो 1/11 लिखना था ना आपको. yes, यहाँ पे क्या करना था 1/11, यहाँ पे क्या करना था 1/22, फिर क्या करना था 1/, अब करना यार. मैं भी सोचूँ इतना जल्दी कैसे हो गया. यहाँ पे जो है ना, अब एलसीएम ले लो, कितना है एलसीएम, 66 ले लो, एलसीएम आ जाएगा 3 अपॉन में ये 66 एलसीएम ले लिया, 6 प्लस 3 प्लस 2 3 × 66/11 18 आएगा आंसर, आंसर आएगा 18. समझ में आ गया होगा आपको. और वैसे भी ना हमारा आंसर वैसे भी गलत लगना चाहिए था, क्योंकि ना इसकी S11 स्पीड 22 और 33, 11 22 33 के बीच की कोई वैल्यू आएगी ना. 11 और 33 हाईएस्ट वैल्यू 33 है, मिनिमम 11 है, 11 है मिनिमम, मैक्सिमम 33 है. तो बीच की कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, मैंने पता नहीं क्या निकाल दी थी. तो 18 जो आंसर है वो 11 और 33 के बीच में ही तो कहीं है. समझ आ गई बात आपको, 11 से कम आए 33 से ज़्यादा आए तो समझ जाओ यार आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर रखी है. ठीक है,